अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वाज टीच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्डप्रेस क्विज नंबर 1। दोस्तों, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो दोस्तों इसी वीक को मैंने वर्डप्रेस के मुतल्लिक वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे वर्डप्रेस पर वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर यूट्यूब को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइप करना है सिंपल वॉच टीच, तो मेरे चैनल को ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद ये आप देख रहे हैं 7 और 13, तो आज ही मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, यानी कि इसी वीक को मैंने ये सारा कंटेंट अपलोड किया है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर आना है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, ये वीडियोज़ कम्प्लीट अपडेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रहा है, 14 वीडियोज़ है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियोज़ को वॉच करना है वर्डप्रेस, और इसके साथ मैंने लिखा भी होगा वर्डप्रेस 1 2। ठीक है, तो आप लोगों ने तरतीब के साथ देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वर्डप्रेस क्विज नंबर 1, आप लोगों ने माई एक्टिविटीज पर आना है और क्विज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्विजेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वर्डप्रेस और यहाँ पे टेक क्विज, टेक क्विज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक पॉपअप नजर आएगा, जहाँ पर आपको दिया होगा स्टार्ट क्विज, या दूसरा हमारे पास गिवन है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आप लोग इसका आंसर पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते इसको तो स्टार्ट क्विज करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। 90 सेकंड में आपको एक आंसर देना होता है एक सवाल का, तो यहाँ पर 90 सेकंड काउंट डाउन शुरू हो गया। जो सबसे पहला हमारा वर्डप्रेस के मुतल्लिक हमारा सवाल है वो ये है, विच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज इन वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट। इसका जो ट्रू जवाब है वो है माई एस क्यू एल। ओके, तो HTML, CSS, PHP, माई एस क्यू एल का यूज़ किया गया है वर्डप्रेस में, और जो माई एस क्यू एल का काम होता है वो है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नंबर 2 हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द स्टोरेज साइज प्रोवाइडेड बाय wordpress.com फॉर फ्री। तो ये हमें 3 GB प्रोवाइड करता है। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। और ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ चुका है, व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर। तो कहां पे वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर होता है, तो यहां पे कंटेंट थीम्स फोल्डर, वर्डप्रेस कंटेंट प्लगइन्स। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है हमारे पास होता है वो है CMS। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। CMS स्टैंड फॉर, तो भी मैंने आपको बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Who is allowed to perform all activities using WordPress dashboard? Author, contributor, editor, administrator. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एहतियार होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो ही WordPress के सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे पास है, विच कंपनी फाउंडेशन इज एडिंग मल्टीपल न्यू फीचर इन टू WordPress कंटिन्यूसली। तो इसका जो ट्रू जवाब है हमारे पास वो है ऑटोमेटिक। तो काफ़ी ज़्यादा प्लगइन इसके अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है वर्डप्रेस पर। ऑटोमेटिक, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। इनिशियली फॉर व्हाट पर्पस वर्डप्रेस वाज डेवलप्ड, ई कॉमर्स नो, ऑनलाइन बिजनेस नो, पर्सनल वेबसाइट नो, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स। तो ये हमारे पास आज से तकरीबन 17 साल पहले इसको डिवेलप किया गया था। तो हाउ मैनी वर्डप्रेस पोस्ट कैन आई क्रिएट। तो पहले इसको, यानी कि वर्डप्रेस को ब्लॉग के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन अब ये बिजनेस के वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट तो यूज़ होता है। 35% वेबसाइट दुनिया की वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट की गई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ब्लॉग वगैरह क्रिएट करते हैं, यानी कि अपडेट करते हैं, वो वर्डप्रेस के जरिए करते हैं। हाउ मैनी वर्डप्रेस पोस्ट कैन आई क्रिएट, डिपेंड ऑन सर्वर साइड, देर इज़ नो लिमिट, आप जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। तो ये सवाल है, ऑन वर्डप्रेस ओपन आवर प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर कंट्रीब्यूटर देयर आइडिया, वीडियो, कोड, पिक्चर्स, नो आइडियाज,
कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्विज फिनिश सक्सेसफुली, तो हमारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। क्लोज क्लोज करने के बाद सबमिटेड स्टेटस, तो ये अभी हमारा सबमिट हो गया है। इसके बाद रिजल्ट हमारा 1 वीक 2 वीक के बाद अनाउंस होता है, ठीक है। टोटल मार्क 10 होते हैं, इसमें से आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, आपको 10 बाय 10 मिलेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर, और जो सवाल आपके जहन में आ रहा हो आप लोग सवाल करें, और जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताया वर्डप्रेस का वो आप लोगों ने वॉच करनी है मेरी वीडियोस, और जो भी आपका सवाल हो वर्डप्रेस के मुतालिक आप लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछना है यूट्यूब की वीडियोस पे। अगर आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, मैं आपको ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जहाँ से आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा।